निराशा, डिप्रेशन। कभी कभी हमारे मन में ये भाव आते हैं कि हम तो बेकार हैं, हमको कोई चाहता नहीं, मैं किसी काम का या काम की नहीं। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं। और ये सबको पता है, पर अब विचार आते हैं तो क्या करें? सबसे पहले ये सोचिए कि आप एक अलग व्यक्तित्व हैं, आपके जैसा कोई नहीं और आप किसी के जैसे नहीं, और ना आपको किसी और के जैसा बनने की कोई ज़रूरत है। इस संसार में, ब्रह्मांड में हर व्यक्ति अलग है, जैसे सबकी उंगलियों के निशान अलग अलग हैं और आजकल तो सबके आधार कार्ड के नंबर भी अलग अलग हैं, वैसे ही हम दुनिया के हर व्यक्ति से अलग हैं। सभी किसी न किसी एक चीज़ में अव्वल होते हैं और किसी दूसरी चीज़ में मूर्ख। आपको अपनी उस विशेष क्षमता और कौशल को पहचानना है बस, और वो दिखावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिखावा करने के चक्कर में हम कुछ और बनने लगते हैं जो आगे चलकर हमारे ही गले का फंदा बन जाता है। इसलिए अपनी प्रतिभा को पहचानिए और जी तोड़ मेहनत करिए उसे निखारने में, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दूसरा, हमें ज़रूरत से अधिक सोचना बंद कर देना चाहिए। अपने विषय में नकारात्मक सोच ही हमारा समय बर्बाद करती है, और किसी दूसरे से अपने आप की तुलना करना भी सरासर गलत है। इसलिए सबसे अच्छा है कि अपने लिए एक लक्ष्य तैयार करें और उसके लिए कार्य करें। यदि मेहनत के साथ लगन भी होगी तो निराशाओं या नकारात्मक सोच का समय ही नहीं मिलेगा। भगवान भी गीता में कहते हैं कि कर्म करने के लिए तुम स्वतंत्र हो, पर उसके फल के लिए नहीं, वो मुझ पर छोड़। और फिर हमारा बलिदान, तप और लगातार प्रयास देखकर भगवान हमारे जीवन में सफलता के द्वार खोल देते हैं। जीवन की वास्तविक सफलता तो इसी में है कि हम भगवान के प्रति इतने समर्पित हों कि मेहनत पूरी हमारी रहे और निर्भरता पूरी उन पर रहे। निराशा का एक और कारण है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को दूसरों की निंदा करने में, उन्हें नीचा दिखाने में बहुत आनंद आता है, मजा आता है। वो किसी को संवेदना से नहीं समझते, तो हम क्यों उनकी परवाह करें? जैसे कि हमने पहले ही कहा है कि हर कोई व्यक्ति अलग है, तो आप भी अलग हैं। ऐसे लोगों से कुछ दूरी बनाकर रखें जो हमेशा निंदा करने में ही आनंद लेते हैं, और ऐसा माहौल ढूंढें जहां आपको कुछ प्रेरणा मिले। आप निकटतम इस्कॉन मंदिर भी जा सकते हैं, या किसी प्रकार से हरे कृष्ण भक्तों के संपर्क में आ सकते हैं जो आपको एक आनंदमय जीवन जीने की कला से अवगत कराएंगे, मन को एकाग्रचित करने के उपाय बता सकते हैं। परंतु ये भी याद रखिए कि हर अच्छी वस्तु को प्राप्त करने के लिए समय लगता है, इसलिए भगवान पर विश्वास रखकर हिम्मत से अच्छी संगति का लाभ लेते रहें। याद रखें कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो यदि अभी आपका समय सही नहीं है तो वो हमेशा वैसा नहीं रहने वाला, अच्छा समय भी आएगा। जैसे सूर्य उदय होता है तो चारों ओर उजाला ही उजाला दिखता है, पर सूर्यास्त के बाद अंधेरा। तो अंधेरा देखकर यदि कोई मायूस होकर बैठ जाए कि अब तो अंधेरा ही अंधेरा है, तो वह गलत होगा, क्योंकि कुछ समय के बाद उजाला तो होना ही है। साथ ही साथ खान पान का भी ख्याल रखें। ऐसा देखा गया है कि निराशा से ग्रस्त व्यक्ति या तो बहुत अधिक खाने लगते हैं या फिर बहुत कम खाने लगते हैं, दोनों ही गलत है। आपको शरीर की ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। एक शुद्ध दिनचर्या भी मन को सात्विक और प्रबल बनाती है। पर्याप्त मात्रा में शुद्ध सात्विक भोजन करें, अपने आप को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में व्यस्त रखें, जल्दी सोने का प्रयास करें और सुबह जल्दी उठें, और सुबह के समय व्यायाम या योगासन और प्राणायाम करें, भगवान नाम का जप करें। हरे कृष्ण महामंत्र से बहुत सारे लोगों को बहुत लाभ मिला है। तो अभी तक हमने सुना कि यदि निराशा हमारे मन में घर कर रही है तो क्या क्या करना है। अपनी विशेषता को पहचानने का प्रयास करना है और उसमें निखरने के लिए मेहनत करनी है। नकारात्मक विचार मन में नहीं लाने हैं, नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने खान पान और दिनचर्या को सात्विक रखना है। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है किसी भी एक ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना। वो किसी भी रूप में हो सकती है, या किसी भी एक व्यक्ति की मुस्कुराहट की वजह बने, इससे भी आपका मनोबल अवश्य बढ़ेगा।
और सबसे ऊपर है अपने पर विश्वास रखना कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सफलता और विफलता में घबराना कतई नहीं, मेहनत करो और आगे बढ़ो, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि भगवान जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। इसलिए हरे कृष्ण जपिए और सदैव प्रसन्न रहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।